हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हमने लैमार्किज्म के बारे में पढ़ना है, तो उम्मीद करता हूं आप एंड तक वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, है ना। हमें पता है, सबको पता है कि जो लैमार्क की थ्योरी थी उस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था डार्विन की थ्योरी के आने के बाद, लेकिन बेटा स्टार्टिंग जो होती है, जो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लैमार्क ने एक शुरुआत की थी, बाद में डार्विन ने उसके ऊपर काम किया, तो इस तरीके से चलते चलते आज हमारे पास मॉडर्न इवोल्यूशन की थ्योरी है प्रॉपर। तो लैमार्क की बेटा अगर हम बात करते हैं, तो लैमार्क की थ्योरी को समझने के लिए ना हमें लैमार्क के जैसे ही सोचना होगा। और याद रखना बेटा, जिस टाइम पे लैमार्क काम कर रहे थे ना, उस टाइम पे हमारे पास किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने जिन चीज़ों को ऑब्जर्व किया उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी को दिया, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, पहले लैमार्क के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, जो लैमार्क थे इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे लैमार्क, है ना। 1744 को इनका जन्म हुआ था और 1829 को इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं कि इसके इवोल्यूशन के अलावा क्या कुछ किया इन्होंने, क्या कुछ हमें दिया लैमार्क ने। तो बेटा 1801 के अंदर इन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, इनवर्टिब्रेट, है ना। बेसिकली हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं एनिमल किंगडम में। इसके अलावा बेटा 1802 के अंदर इन्होंने टर्म दी थी, कॉइन की थी बायोलॉजी, है ना। इसके अलावा बेटा 1809 के अंदर इनका जितना भी बेटा काम था इवोल्यूशन के ऊपर, 1809 में वो एक बुक के अंदर पब्लिश हुआ था और उस बुक का नाम है फिलोसफी जूलॉजी की, ठीक है बेटा। तो इस बुक के ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ भी जो लैमार्क थे उनकी बुक का क्या नाम था, तो बेटा बुक का नाम है फिलोसफी जूलॉजी की, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लैमार्क के ऊपर कि क्या थी लैमार्क की हाइपोथीसिस। देखो बेटा, लैमार्क की जो थिंकिंग थी, हाइपोथीसिस थी ना, वो बड़ी कमाल की थी। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि एक पेरेंट की प्रोजनी है, कोई भी जनरेशन है, कोई भी पेरेंटल पॉपुलेशन है, एक प्रोजनी है, जब भी उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। उसकी जब फिर से नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो ये कोई पेरेंट की पॉपुलेशन है, ये कोई पेरेंट है, है ना। इससे जब बेटा नेक्स्ट वाली जनरेशन बनेगी तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन। इसके बाद इसकी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन। तो इस तरीके से बेटा हर जनरेशन के बाद हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, हर जनरेशन के बाद हमें क्या देखने को मिलेंगी, वेरिएशन देखने को मिलती है। अब अकॉर्डिंग टू लैमार्क क्या था, इनका मानना था कि अगर हम इस वाले ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और स्टार्टिंग वाले ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि वेरिएशंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये एक नई स्पीशीज बन चुकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कलर भी चेंज किया है बेटा, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर ब्लैक कलर है। तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क क्या था, एक स्पीशीज, एक ऑर्गेनिज्म जब भी मीटिंग करेगा, जब भी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, तो उसके अंदर वेरिएशंस आएंगी और हर जनरेशन में जब वेरिएशन आती चली जाएंगी, तो एंड में जाके क्या हो जाएगा, एक नई स्पीशीज बन जाएगी। बट अब यहां पे ना बहुत ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये स्पीशीज, इसको मान लो हमने नाम दे दिया, दिस इज स्पीशीज वन, इसको हमने क्या बोल दिया, ये स्पीशीज ए है। और अकॉर्डिंग टू लैमार्क क्या था, ये एक नई स्पीशीज बन चुकी है, इसको हमने नाम दे दिया स्पीशीज बी, नाम दे दिया, है ना। तो बेटा अगर सिंपल सी बात करें, पहले कितनी स्पीशीज थी, एक स्पीशीज थी, बहुत सालों के बाद कितनी स्पीशीज है, अभी भी एक स्पीशीज है। अकॉर्डिंग टू लैमार्क एक स्पीशीज ही दूसरी स्पीशीज के अंदर क्या होती है बेटा, ट्रांसफॉर्म होती है। इसीलिए बेटा इनकी हाइपोथीसिस को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मतलब इमेजिन करिए आप, लैमार्क ने क्या बोला कि एक स्पीशीज जो है वही दूसरी स्पीशीज के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। पहले भी एक स्पीशीज थी, अभी भी एक स्पीशीज है। मतलब यह है कि लैमार्क के अकॉर्डिंग स्पीशीज का नंबर कभी नहीं बढ़ेगा। अगर बेटा स्पीशीज का नंबर कभी नहीं बढ़ेगा तो कभी भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू लैमार्क क्या कहना चाहता है कि दुनिया में आज जितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, जब धरती बनी होगी उस टाइम पे भी उतनी ही स्पीशीज प्रेजेंट थी, क्योंकि नई स्पीशीज तो बनती नहीं है, एक ही स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। जबकि अगर इसी के रिस्पेक्टिव अगर हम डार्विन की थ्योरी को देखते हैं, तो डार्विन का बेटा कुछ और मानना था। डार्विन का क्या मानना था, डार्विन बोलते थे कि देखो ये एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, देखो जब भी इस पॉपुलेशन के अंदर, जब भी स्पीशीज के अंदर वेरिएशन आएगी, तो ये दो अलग अलग स्पीशीज के अंदर क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। ये एक स्पीशीज बन गई, ये कोई दूसरी स्पीशीज बन गई, ये फिर आगे जाके कभी ना कभी इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू ये एक नई स्पीशीज के अंदर आ जाएगी, यहाँ पे भी एक नई स्पीशीज बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या था कि
टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन के इवोल्यूशनरी जो फोर्सेस होती हैं, जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होते हैं, टाइम के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन होता है, स्पीशीज का नंबर बढ़ता है। जबकि हमारे लैमार्क ने क्या बोला था कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है, एक स्पीशीज ही दूसरी स्पीशीज में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है बेटा, तो ये तो एक हाइपोथीसिस थी, एक थिंकिंग थी लैमार्क की, जिस चीज के बारे में लैमार्क सोचा करते थे, है ना। और देखो यार, अगर हम बहुत पुराने टाइम पे जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे लैमार्क तो सही थे ना। उन्होंने जिन चीज़ों को बेटा ऑब्जर्व किया उन चीज़ों को ही बताने की कोशिश की, है ना। और इन ऐसे जो भी इनके कॉन्सेप्ट थे ना, इनका एक बड़ा परम मित्र था, मतलब बहुत प्यारी एग्जांपल थी, इन्होंने जिराफ की एग्जांपल को हर जगह पे लिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि लैमार्क ने ऐसे कौन कौन से हमें पॉइंट्स दिए थे, ऐसे कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए थे जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी, है ना। तो अभी हम देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्क, पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म, लैमार्किज्म। देखो बेटा, लैमार्क की थ्योरी को हम लैमार्किज्म भी बोल देते हैं, है ना। और वीडियो में बेटा बने रहना है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, मुझे पता है, उनको रिपीट करना है, और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी पता चलने वाली है। देखो, अगर हम सबसे पहले वाले पोस्टुलेट की बात करते ना, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, तो वो क्या था, अकॉर्डिंग टू लैमार्क बेटा ये कहना चाहता था कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है, एक वाइटल फोर्स होती है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहता है। देखो, अकॉर्डिंग टू लैमार्क क्या है, देखो हर ऑर्गेनिज्म है बेटा, हर ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ एक फोर्स होती है। जैसे मान लो मेरी कोई इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं, अकॉर्डिंग टू लैमार्क देखो, फिर जैसे एग्जाम्पल लेंगे बेटा, जैसे देखो ये क्या है, मान लो ये ग्रासेस हैं, ये क्या है, छोटी छोटी ग्रासेस हैं, ये ग्रासेस लगी हुई हैं, है ना। और ये क्या है, ये कोई बड़ा सारा ट्री है। लैमार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई जो जिराफ थे, जिराफ ने सोचा कि भाई ग्रासेस तो खत्म हो सकती हैं, तो क्यों ना ट्रीज के जो ऊपर पत्ते लगे उनको खाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो इंटरनल फोर्स थी, अपनी जो एक विश थी है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अंदर एक करेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, अपनी जो नेक थी उसको स्ट्रेच करने की कोशिश की। और जैसे ही उन्होंने नेक को स्ट्रेच करने की कोशिश की, तो हमने क्या पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू लैमार्क कि जो उनकी नेक थी, उसका जो साइज था, उसकी जो लेंथ थी, वो बढ़ गई, है ना। तो ऐसी फोर्स अकॉर्डिंग टू लैमार्क क्या थी, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर थी। अगर ऑर्गेनिज्म सोचता था कि मुझे इस तरीके का एक उसके अंदर विल पावर थी कि मुझे ये काम करना है, तो उसके अंदर वो जो करेक्टर था वो डिवेल्प हो जाता था, है ना। जैसे उसने जिराफ की एग्जांपल, इसके अलावा जैसे एक्वेटिक बर्ड है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्या था, लैमार्क क्या बोलते हैं कि जैसे एक्वेटिक बर्ड है, है ना, एक्वेटिक बर्ड क्या है, बेसिकली जमीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते थे। अब उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है, पानी के अंदर चलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा वाला अच्छा सा फूड अवेलेबल होगा हमें। तो उनकी जो डिजिट्स थी बेटा, डिजिट्स के अंदर क्या है, इस तरीके की एक मेम्ब्रेन जो थी वो अपने आप अपीयर होगी, है ना। तो इंटरनल जो फोर्सेस होती हैं, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, वाइटल फोर्सेस जिनको बोल देते हैं, विश की वजह से जो ऑर्गेनिज्म थे इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, करेक्टर्स को डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो ये तो इसकी थ्योरी थी। लेकिन बेटा अगर हम इसकी एक्सेप्शन की बात करते हैं, अब देखो बेटा, ह्यूमन तो बहुत टाइम से चाहता ना कि वो उठ जाए, लेकिन हमारी इच्छा है, ह्यूमंस की इच्छा है, ह्यूमंस की विश है कि ह्यूमन उड़ जाए। और अभी की नहीं है, बहुत सालों से ह्यूमन उड़ना चाहता है, लेकिन बेटा क्या कभी ह्यूमन के पास विंग्स आए, नहीं आए ना, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्सेप्शन है कि भाई जो चीज़ लैमार्क कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की बहुत टाइम से इच्छा है बेटा, लेकिन ह्यूमन के अंदर अभी तक कभी भी जो विंग्स है वो डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये तो था लैमार्क का फर्स्ट पॉइंट। अगर हम लैमार्क के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो लैमार्क का सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, यूज़ करना चीज़ों को या फिर डिसयूज़ करना। जैसे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ बॉडी ऑर्गन्स को यूज़ करना, कुछ को नहीं यूज़ करना, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, यूज़ एंड डिसयूज़। देखो बहुत सिंपल सी बात थी, लैमार्क ये बोलते थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अपनी बॉडी के जो जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेगा वो आगे जाके क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाएगा, है ना, अच्छे तरीके से अडेप्ट हो जाएगा, डिवेल्प हो जाएगा। और जिसको वो यूज़ नहीं करेगा, जिसको हम डिसयूज़ बोलते हैं, वो या तो उसका जो भी फंक्शन है धीरे धीरे बेटा या तो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, या फिर वो ऑर्गन नेचर से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम डिटोरिएट वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे किसकी ली, एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे किसकी ली बेटा, फिर से उनका बहुत अच्छा दोस्त था, देखो सच में दोस्त तो नहीं था ना, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि उन्होंने जिराफ की एग्जाम्पल को हर जगह पे यूज़ किया। उन्होंने क्या बोला बेटा, जो जिराफ था,
उन्होंने क्या बोला, जो जिराफ था, अब जो जिराफ है ना उसने क्या किया, नेक को जब स्ट्रेच किया तो बेसिकली उसने नेक के मसल्स को, नेक को क्या किया, यूज किया। जब उसने नेक को यूज किया बेटा तो उसका जो नेक थी वो शॉर्ट से कैसी होगी, वो लॉन्ग होगी, है ना। तो बेसिकली उसने क्या कहना चाहा कि उसने नेक का यूज किया, इसलिए बेटा जो उनकी नेक थी ना जिराफ की लंबी है। इसके अलावा बेटा अगर हम और बात करते हैं इनकी जग जो केव के एनिमल्स होते हैं, जो केव एनिमल्स हैं, अगर हम केव एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे बेटा बैट की बात करते हैं, केव एनिमल्स की, केव एनिमल्स है ना, तो केव एनिमल्स कहाँ रहते हैं। अब केव एनिमल्स बेटा केव में रहे हैं, वहाँ पे अंधेरा है। अब जब वहाँ पे अंधेरा है बेटा तो वो अपनी आइज का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, तो जिनके कारण जो केव एनिमल्स होते हैं ना बेटा उनका जो विजन होता है ना वो कैसा होता है, वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, बहुत कम होता है ना। जैसे उन्होंने देखो लाइट ही नहीं है तो आइस का ज़्यादा यूज़ नहीं है, डिसयूज़ हुआ तो उनकी जो आइस का फंक्शन था वो क्या हो गया, रिड्यूस होगा, उनका जो विज़न होता है बहुत अच्छा नहीं होता। इसके अलावा बेटा अगर हम और बात करते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल बहुत अच्छी जो लैमार्क ने दी थी वो थी फ्लाइंग लेस बर्ड। वो किसकी एग्जांपल थी बेटा, फ्लाइंग लेस बर्ड, ऐसे बर्ड्स बेटा जो आज के टाइम पे उड़ नहीं सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लैमार्क क्या था कि कुछ बर्ड्स थे जब उनको ज़मीन के ऊपर ही रिसोर्सेज वगैरह मिलने लगे, फूड मिलने लगा, मेटिंग के लिए पार्टनर मिलने लगा, शेल्टर मिलने लगा, और सबसे बड़ी बात कोई प्रेडेटर नहीं था उनको खाने के लिए, कोई प्रेडेटर का प्रेशर नहीं था। अब वो क्या थे, वो ज़मीन पर ही रहने लगे, उनको उड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और टाइम के साथ साथ बेटा जो उनके विंग्स थे वो क्या हो गए, वो रिड्यूस्ड हो गए। मतलब विंग्स आज के टाइम पे भी प्रेजेंट है लेकिन वो जो एनिमल्स हैं, वो जो बर्ड्स हैं बेटा, अब वो उड़ नहीं सकते हैं। ये किसने बोला था, ये भी लैमार्क ने बोला था। इसके अलावा बेटा लिम्बलेस रेप्टाइल, इसके अलावा एग्जाम्पल किसकी थी, जो लिम्बलेस रेप्टाइल्स हैं, है ना, रेप्टाइल्स मतलब जैसे स्नेक्स की बात कर लो, रेप्टाइल्स है ना, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्नेक्स थे बेटा, स्नेक्स के पास पहले लेग्स हुआ करती थी, हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं, फॉसिल्स हैं, तो स्नेक्स के पास क्या थी, लेग्स थी। अब जब स्नेक्स को पता चला कि भाई हमें तो लेग्स की ज़रूरत ही नहीं है, भाई हम तो ऐसे रख के बैठे उनको, तो उन्होंने अपनी लेग्स का यूज़ ही नहीं किया कभी, तो धीरे धीरे बेटा उनकी जो लिम्ब्स थी, उनकी जो लेग्स थी वो क्या होगी, वो गायब होगी, है ना। तो वो जो रेप्टाइल्स थे बेटा वो लिम्बलेस थे, उनके पास किसी तरह की कोई भी लिम्ब प्रेजेंट नहीं थी। तो ये तो थ्योरी बिल्कुल, देखो अगर हम लैमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उसने बहुत सही बात की है, लेकिन बेटा अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, देखो उसने क्या बोला था, अगर हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो डिवेलप होती हैं, वो एडवांस होती हैं, है ना। अब घर 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 में जाके देखेंगे बच्चे फ़ोन का यूज़ करते हैं, मतलब हम अपनी आँखों का लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू बेटा लैमार्क हमारी जो आइज़ है, इनकी आई साइट बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, लेकिन बेटा ये क्या लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है ना, हम लगातार पढ़ रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, अब मतलब आधी दुनिया जो है, आधी दुनिया को तो चश्मा लगा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं लैमार्क जो है वो गलत हो जाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो जो चीज़ है वो डिवेलप होगी ही होगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट थे लैमार्क के, है ना। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं ना, ये जो तीसरा उनका पोस्टुलेट है ना, इसके बारे में बेटा बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरा जो उनका पोस्टुलेट है ना बेटा, ये बॉडी साइज़ के ऊपर बात करते हैं लैमार्क। लैमार्क के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बॉडी साइज होता है ना, थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बॉडी साइज अकॉर्डिंग टू लैमार्क बेटा, थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो बॉडी साइज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ता है, है ना। अब आप भी सोच रहे हो कि ऐसे कैसे, देखो एग्जाम्पल दी थी ना उन्होंने क्या बोला था, पहले जो जिराफ थे वो थे स्मॉल, आज कैसे बेटा बड़े हैं, लार्ज है। जो बेटा होरस हुआ करते थे पहले वो कैसे थे, स्मॉल, आज कैसे बेटा लार्ज है, बड़े बड़े होर्स हैं आज। जिन होरस को आज हम देखते हैं ना, वो पहले डॉग से भी छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे थे। हमारे पास बेटा फॉसिल्स हैं, एविडेंस है हमारे पास इस चीज़ के, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को बोला। अब देखो एग्जाम्पल प्लांट की भी लेंगे यहाँ पे, जैसे बेटा हम बात करते हैं एल्गी से, एल्गी से हम कहाँ जाएंगे, ब्रायोफाइट्स की तरफ। अब बेटा एल्गी का साइज बढ़ा या ब्रायोफाइट का साइज बढ़ा, हाँ समझ गया, किसका साइज बढ़ा, ब्रायोफाइट का साइज बढ़ा, है ना। ब्रायोफाइट के बाद बेटा कौन बने, टेरिडोफाइट बने, है ना। तो ब्रायोफाइट से भी बड़े कौन होते हैं, टेरिडोफाइट से भी बेटा बड़े कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो अगर अभी तक हम बात करें तो बिल्कुल सही बोला था लैमार्क ने कि थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका साइज बढ़ता है बेटा। एल्गी से जाएंगे जिम्नोस्पर्म तक आएंगे, 100 फीट ऊपर ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो साइज तो बढ़ रहा है लेकिन बेटा गड़बड़ यहाँ पर होती है। अगर हम जिम्नोस्पर्म से कहाँ जाते हैं, डाइकोट की तरफ, फिर आते हैं मोनोकोट की तरफ, है ना। जैसे बेटा एक तो पाइनस कटरी है बहुत बड़ा, एक बेटा ग्रास है, मोनोकोट है, घास है, मोनोकोट है बेटा छोटी सी है बिल्कुल, है ना।
तो एलगी से जिम्नोस्पर्म तक तो जो लेमार्केन की बात बिल्कुल सच होती है, लेकिन जैसे ही बेटा जिम्नोस्पर्म से डाइकोट की तरफ आते हैं, मोनोकोट की तरफ आते हैं, तो जो साइज है बॉडी का वो कम हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इन्होंने सही बताया था, लेकिन बेटा एक्सेप्शन आपके सामने ही पड़ी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्रू दी कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये चीज कौन डिसाइड करती है बेटा, अगर हमें इस चीज़ को जस्टिफाई करना हो कि भाई ऐसा कैसे, यहाँ तक तो बॉडी साइज बढ़ा लेकिन उसके बाद बॉडी साइज कम क्यों होता है बेटा, इसके पीछे एक रीज़न था बेटा। अगर हम बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं वेरिएशंस के आने के, म्यूटेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है मेटाप्लेट के ऊपर, है ना। इसके अलावा बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, है ना। अगर बेटा हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो देखो म्यूटेशन भी दो तरह की है। एक ऐसी म्यूटेशन भी हो सकती है जो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना दे, चीज़ों को एडवांस बना दे। एक ऐसी म्यूटेशन भी हो सकती है जो चीज़ों को बैक ले जाए, पीछे की तरफ ले जाए, मतलब हम बात करें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बना दे, है ना। तो बेटा ऐसी म्यूटेशन बेटा जो इवोल्यूशन को एडवांस करती है, जो चीज़ों को इवॉल्व करती है, एडवांस बनाती है, ऐसी म्यूटेशन को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेसिव म्यूटेशन बोल देते हैं। कि ऐसी म्यूटेशन बेटा जो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन करवाती है, अगर चीज़ों के अंदर करेक्टर्स जो बेटा है वो कम होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोल देते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है म्यूटेशन के ऊपर। इसके अलावा बेटा अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो फोर्थ पोस्टुलेट है हमारे लेमार का, वो ये बोलता है कि जो इन्वायरमेंटल फोर्स होती है, जो इन्वायरमेंटल फोर्स होती है कभी भी वो चेंज होती है, तो नई नीड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारा बेटा फोर्थ पॉइंट क्या बन जाएगा, न्यू नीड। अब न्यू नीड का क्या मतलब है, न्यू नीड का बेटा ये मतलब है कि जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, है ना, तो जब भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा तो नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अडेप्ट करने की कोशिश करता है, है ना। जैसे कि इसने एग्जांपल किसकी ली थी, इसने एग्जांपल ली थी एक्वेटिक बर्ड्स की। पहले एक्वेटिक बर्ड जो थे वो क्या थे, वो जब नॉर्मली जमीन पर रहते थे। अब उनको ख्याल आया कि भाई पानी के अंदर चलते हैं, वाटर के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फूड भी अवेलेबल है। तो जैसे ही बेटा वो वाटर के अंदर जाएंगे तो क्या हुआ, जब अब देखो वाटर के अंदर गए जब, तो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया। जब इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया तो अब बॉडी की एक नई नीड है कि उस नए इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से रहना है। तो उनके जो ये डिजिट्स थे बेटा, जो लेग्स के डिजिट्स के अंदर बेटा क्या हुआ, इस तरीके की जो मेम्ब्रेन थी वो मेम्ब्रेन अपीयर होनी शुरू होगी, है ना। तो ये किसने बोला था, ये लेमार्क ने बोला था। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो एक्सेप्शन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। देखो इसके हर पॉइंट की कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थी, है ना, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था लेमार को। अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें, इसके लिए बेटा हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हमें क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है। आपने क्या किया, जितना भी टेम्परेचर वगैरह सेट कर दिया, न्यूट्रिशन यहाँ पे भर भर के रख दिया, तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक इनका नॉर्मल एनवायरनमेंट है। अब आपने क्या किया, अब आपने इस कल्चर के अंदर क्या ऐड कर दी, इस कल्चर के अंदर बेटा कोई एंटीबायोटिक ऐड कर दी, क्या ऐड कर दिया, कोई एंटीबायोटिक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट था उसको क्या कर दिया, चेंज करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, जब भी एनवायरनमेंट चेंज होगा तो जो ऑर्गेनिज्म है नई नीड के अकॉर्डिंग अपने अंदर एक नया करेक्टर जो है वो डेवलप करेगा। तो ये सारे के सारे बच जाने चाहिए, क्योंकि जैसे ही एंटीबायोटिक आएगी, इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो लेमार के अकॉर्डिंग इनके अंदर एक नया करेक्टर आ जाना चाहिए और ये सारे के सारे बच जाने चाहिए। लेकिन बेटा रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये राजकर रिजल्ट, कुछ ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, बाकी सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब बात यह है कि ये बैक्टीरिया सर्वाइव क्यों किए, इसके पीछे बेटा सिंपल सा रीजन है। जैसे मान लो आप मतलब 10-15 दोस्त हो, है ना, आप कहीं पे भी रहते हो, मान लो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, अब क्या हुआ, आप तमिलनाडु वाली साइड चले गए, साउथ इंडिया चले गए, आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपको हिंदी आती है, उन लोगों को हिंदी नहीं आती, तो आपने अब उन लोगों के साथ उनकी लैंग्वेज में बात करनी है, लेकिन आप में से किसी को ये लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आप में से सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट निकला, एक ऐसा बच्चा ऐसा निकला जो उनके साथ उनकी लैंग्वेज में उनके साथ बात कर रहा था। अब बात यह है, यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी आती है, या तो उसने वो लैंग्वेज वहीं पे जाके तुरंत सीख ली, या फिर उसको लैंग्वेज पहले से ही आती थी। अब आपने पूछा कि भाई हाँ बता तुझे कैसे आती है ये वाली लैंग्वेज, तो उसने बोला कि भाई ऐसा, मैं तो साउथ की ना मूवीज़ देखता था, तो जब मैं साउथ की मूवीज़ देखता था तो मैं उस मूवी से सीखा, तो मुझे ये वाली लैंग्वेज इनकी आती है, तो मैं इनके साथ बातचीत कर सकता हूँ। अब ये मैंने क्यों बताया, ये बेटा मैंने इसलिए बताया क्योंकि
उस पर्सन को वो लैंग्वेज पहले से ही आती थी, लेकिन क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया का था तो वहाँ पे उसको उस लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने कभी नहीं बोली। ऐसे ही बेटा यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहे हैं, इन बैक्टीरिया में से इन बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके पास इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन था, लेकिन बेटा क्योंकि पहले एंटीबायोटिक नहीं था तो वो जीन को एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे ही एंटीबायोटिक आया तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर जो जीन था उसको क्या किया, एक्सप्रेस किया। तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क तो बेटा कह रहे थे कि जब भी इन्वायरमेंट चेंज होगा तब करेक्टर डेवलप होगा, लेकिन बेटा इनके अंदर करेक्टर तो पहले से ही था। हाँ वो अलग बात है कि इन्वायरमेंट जब आया तब उन्होंने एक्सप्रेस किया, लेकिन करेक्टर तो पहले से ही था, है ना। इसका मतलब इनका जो ये पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट भी एक तरह से गलत था। उसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट वाले पोस्टुलेट की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला था कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के अंदर जो भी करेक्टर्स को एक्वायर करता है वो अगली जनरेशन में चले जाते हैं, है ना। तो करेक्ट इनका जो पोस्टुलेट का नाम क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, है ना। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू लैमार्क इन्होंने क्या बोला कि देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करेक्टर्स को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, कुछ ना कुछ करेक्टर को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। जैसे मान लो किसी को कोई चोट लगी, सर के ऊपर एक निशान आ गया, कुछ भी छोटा मोटा निशान पड़ गया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क वो उसने करेक्टर अपनी लाइफ में एक्वायर किया और वही करेक्टर अगली जनरेशन में जाना चाहिए, ये लैमार्क ने कहा था, है ना। लेकिन बेटा इस वाले पॉइंट का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, और इसका जो एक्सेप्शन था ना, इसके अगेंस्ट जब साइंटिस्ट ने बातें करी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं वीजमैन। जो वीजमैन है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, वीजमैन साइंटिस्ट का नाम है। एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने लैमार्क की सारी बात सुनी कि भाई ऐसा है जब भी हम लाइफ के अंदर कोई करेक्टर को एक्वायर करते हैं वो अगली जनरेशन में चला जाता है, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा रैट लिए, इन्होंने माइस लिए, माइस बोल दो, चलो रैट बोल दो, चलो मान लो माइस लिए इन्होंने, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो माइस की बेटा माइस की जो नॉर्मल माइस था इसकी जो थी जो टेल थी उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ये माइस कैसा है, टेल लेस, अब ये कैसा है बेटा, टेल लेस माइस, अब इसकी टेल नहीं है। जब इसकी फर्स्ट जनरेशन को स्टडी किया गया तो बेटा फर्स्ट जनरेशन के पास टेल थी। अब भाई अकॉर्डिंग टू लैमार्क टेल नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई इस वाले माइस ने क्या करेक्टर एक्वायर किया, टेल ही नहीं, इसके पास टेल कट होगी, तो फर्स्ट जनरेशन के पास टेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके पास जो थी बिल्कुल नॉर्मल टेल थी, जो एक नॉर्मल माइस के पास होनी चाहिए, है ना। तो वीजमैन को लगा भाई मेरे से कोई गलती हो गई होगी, तो मैं दोबारा से करता हूँ। तब उन्होंने सेकेंड जनरेशन देखी, थर्ड देखी, ऐसे करते करते फाइव जनरेशन, कहाँ से अप टू फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन तक जब इन्होंने स्टडी किया तो हर जनरेशन में क्या थी, टेल प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि लैमार्क ने जो ये बात बोली ना बिल्कुल गलत है। और साथ में उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने क्या बोला, हमारी बॉडी के अंदर बेटा दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल होते हैं, एक होते हैं बेटा जर्म सेल। तो अकॉर्डिंग टू वीजमैन क्या था, इन्होंने बोला था कि जब कभी भी म्यूटेशन जो है वो जर्म सेल के अंदर आएगी बेटा, तो वो जो म्यूटेशन है वो अगले जनरेशन में पास होगी, लेकिन सोमैटिक सेल के अंदर अगर कोई म्यूटेशन आती है तो उस म्यूटेशन को, उस चेंज को, उस वेरिएशन को उसी जनरेशन तक ही रहना पड़ता, अगले जनरेशन में जाने का मौका नहीं मिलता। तो बेटा ये सारी की सारी बातें जो थी हमें किसने बताई थी, लैमार्क ने बताई थी। बाद में जब डार्विन आए ना, तो डार्विन ने अपनी जो थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन वाली, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की वो सही थी, लेकिन बेटा गलती जो थी ना लोगों ने डार्विन के अंदर भी निकाली थी, है ना। तो बेटा दुनिया है, दुनिया कभी किसी को छोड़ती नहीं है, जब भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई करता है तो दुनिया खड़ी होती है उसका इंतजार करने के लिए। तो बेटा ये सारी जो थ्योरी थी वो थी लैमार्किज्म के बारे में। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, टेक केयर।